हेलो गाइस, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लासिक साइंस। क्लासिक साइंस में जो कीवर्ड्स हैं उनके डेफिनेशंस आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सो लुक एट दिस वीडियो एंड राइट एंड लर्न दिस कीवर्ड्स। हेलो गाइस, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ क्लासिक साइंस। सो योर फर्स्ट कीवर्ड इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? सो आंसर इज अ डाइट हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी दैट अवर बॉडी नीड्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। मींस एक डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइट्री फाइबर एंड वाटर आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन अ वेल बैलेंस्ड डाइट। नाउ सेकेंड कीवर्ड, बेरी बेरी। बेरी बेरी इज अ डिसीज इन विच द बॉडी डज नॉट हैव इनफ विटामिन बी वन। मीन्स विटामिन बी वन की कमी से होने वाली डिसीज को हम बेरी बेरी कहते हैं। बेरी बेरी इज यूजुअली कॉज्ड बाय पुअर डाइट और एल्कोहलिज्म। नाउ थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स। ये हमें एनर्जी भी देता है और अदर हेल्थ बेनिफिट भी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, ग्रेन प्रोडक्ट, शुगर एंड शुगर से बनने वाले फूड आइटम्स में। नाउ नेक्स्ट फोर नंबर, एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मीन्स एनर्जी वो एबिलिटी है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। एनर्जी मेक्स थिंग्स मूव। एनर्जी थिंग्स को मूव करती है। इट मेक्स मशीन्स को, ये मशीन को चलाती है। एनर्जी ऑल्सो मेक्स लिविंग थिंग्स ग्रो, और लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में भी एनर्जी हेल्प करती है। विदाउट एनर्जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट फाइव नंबर, फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है एंड फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। द एनर्जी कंटेंट इन फैट इज मच हायर देन कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट से हमें जो एनर्जी मिलती है उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें फैट से एनर्जी मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है फैट। हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से फैट मिलता है। फर्स्ट एनिमल सोर्स, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, मीट, फिश एंड एग। एंड प्लांट सोर्स, ग्राउंड नट्स, नट्स, तिल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। नाउ नेक्स्ट सिक्स नंबर, मिनरल्स। मिनरल्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। हमारी डाइट का एक इसेंशियल पार्ट है मिनरल, जस्ट लाइक विटामिन्स। जैसे कि विटामिन, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी इन अवर डाइट, लेकिन इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी की आवश्यकता हमारी डाइट में होती है। मिनरल्स सच एज, अब कौन कौन से होते हैं मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी। ये जो थ्री मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। जबकि आयरन, जिंक एंड आयोडीन, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बॉडी को आवश्यक होते हैं। नाउ नेक्स्ट सेवन नंबर, न्यूट्रिएंट्स। ईच फूड आइटम इज मेड अप ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट दैट वी गेट आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो फूड आइटम होते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनते हैं, और वो इंग्रेडिएंट या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं।
ईच इंग्रेडिएंट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। विच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन कंपोनेंट्स को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द फाइव न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड इन एडिशन वाटर एंड रफेज आर क्वालिटी इम्पोर्टेंट फॉर अस। नाउ नेक्स्ट, एट नंबर, प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गन्स, मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ऑर्गन्स का, मसल्स का और स्किन का एंड एनी अदर पार्ट्स। द प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड सेल एंड टिश्यूज, मीन्स हमारी बॉडी की जो सेल्स डैमेज्ड हो जाती हैं और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करती है। एंड ऑल्सो फॉर बिल्डिंग द न्यू बंस, मीन्स बॉडी की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, न्यू सेल्स एंड न्यू टिश्यूज बनाने में प्रोटीन हेल्प करती है। सम प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, सोयाबीन्स एंड पीज, एंड एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, एग एंड फिश। नाउ नाइन नंबर, रफेज। व्हाट इज रफेज? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट हेल्प इन डाइजेशन इज कॉल्ड रफेज। रफेज हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, टेन नंबर, स्कर्वी। स्कर्वी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली डिसीज को हम स्कर्वी कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इज ब्लीडिंग गम्स एंड बूंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील। स्कर्वी डिसीज में गम्स मीन्स मसूड़े से खून आने लगता है और जो बूंस घाव हो जाते हैं वो बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं भरने में। नाउ नेक्स्ट, 11 नंबर, स्टार्च। अ वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस ग्रेन्यूलर और पाउडरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड स्टार्च। ऑर्डरलेस मीन्स इसमें गंध नहीं होती है, टेस्टलेस कोई टेस्ट नहीं होता है, और ये ग्रेन के फॉर्म में भी होती है और पाउडरी फॉर्म में, इसको हम स्टार्च कहते हैं। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो टू टाइप्स का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग स्टार्च आर राइस, व्हीट, पोटैटो एंड कॉर्न। नाउ नेक्स्ट, 12 नंबर, विटामिन्स। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, ये हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं मीन्स बचाते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड लिगामेंट्स और लिगामेंट्स को भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड हेल्प टू कीप अवर आईज, बोन्स एंड गम्स हेल्दी। हमारी आईज को, बोन्स को एंड गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स हेल्प अस टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट मैनी डिसीजेज, बहुत सारी डिसीजेज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर ऑफ फोर टाइप्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी, जिसका एक कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B1 टू विटामिन B12 एंड विटामिन सी, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं।